वेलकम स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्क्राइब अबाउट द बायोडाइवर्सिटीज एंड आल्सो वी डिस्क्राइब अबाउट द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। टुडे वी डिस्क्राइब द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। What is the magnitude of biodiversities? On the global diversity of major taxa of the different species are present, which are represented here. Okay, so today we discuss about the magnitude of biodiversity. What is the magnitude of biodiversities? According to the International Union of Conservation of Nature, ठीक है, IUCN, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म, एक्सपेंड द टर्म। IUCN मींस यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 2004 दे डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है, 2004 में इसको डिस्क्राइब किया गया, तो उस समय जो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज 1.5 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, मैनी टेक्सोनॉमिक जो साइंटिस्ट है ग्रुप, दैट इज द inventory different species that is the complete in temperate region, but in case of tropical country they cannot complete them, means अभी भी कुछ ऐसे species है जिसकी discovery नहीं हो पाई है। ठीक है, assuming that a large number of species are undiscovered in the tropic, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of a exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants. Okay, तो according to ये assuming किया गया, जो साइंटिस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेट स्पीसीज, जो टेम्परेट रीजन के स्पीसीज थे उसके बेस पर जब कंपेरिजन किया गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो स्पीसीज है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीसीज अभी भी इस तरह के प्रेजेंट है जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं हो पाई है, प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। ओके, इसके अभी डिस्कवरी बाकी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, दे कैन नॉट नो अबाउट देम्स। दिस लीड्स टू ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। यदि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, दैट इज द एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, दैट इज द रेंजेस फ्रॉम, जो रेंजेस है स्पीसीज की अर्थ पर वो 20 to 50 मिलियंस। ठीक है, इसकी स्पीसीज जितनी प्रेजेंट है अर्थ सर्फेस पर 20 to 50 मिलियंस स्पीसीज ऑफ प्रेजेंट। अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट बाई रॉबर्ट में प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियंस। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट मे, इन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को डिफाइन किया कि दैट इज द नियर अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट। In which more than 70% of all species recorded are animals. इसमें इन्होंने बताया कि 70% जो स्पीसीज जो है एनिमल्स ग्रुप के, वाइल्ड प्लांट कंपेरिजन नॉट मोर देन 22% ऑफ द टोटल। और टोटल में से 22% से ज़्यादा आपके प्लांट नहीं है, मतलब मैक्सिमम क्या है अर्थ सरफेस पर, वो एनिमल की स्पीसीज हैं। दैट इज क्लियर। जैसे इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप इन एनिमल किंगडम्स, मेकिंग मोर देन 70% ऑफ टोटल एनिमल्स। अब टोटल एनिमल्स में भी बात करें,
तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रुप है वो फाइलम है इंसेक्ट का, आर्थ्रोपोडा स्पीसीज, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसके स्पीसीज। नियर अबाउट 70% ऑफ द टोटल एनिमल स्पीसीज के ओनली दैट इज द इंसेक्ट आर प्रेजेंट। अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा स्पीसीज है एनिमल में वो क्या है, इंसेक्ट है। यू सी मिलियन नंबर ऑफ एंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बीज है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, सभी दिस द बिलोंग ओनली द इंसेक्टा ग्रुप, इंसेक्ट के ग्रुप के ही स्पीसीज हैं। तो अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है वो किसका है, इंसेक्ट का है, ठीक है। मतलब जो एनिमल, टोटल एनिमल की बात करें 100% है, तो उसमें 70% केवल क्या है, इंसेक्ट प्रेजेंट है। दैट इज क्लियर। इट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब यह है कि यदि 10 स्पीसीज लेते हैं अर्थ सरफेस पर, तो उसमें से 10 में से 7 केवल क्या है आपके, इंसेक्ट प्रेजेंट है। दैट इज क्लियर। नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज इन द वर्ल्ड मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब फंगस की बात करें तो, इन द वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फंगस है किससे ज़्यादा है, दिस इज द मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस। इसका जो स्पीसीज नंबर है फंगस का, वह यदि वन साइड आपका फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स यदि इतने रख दिया जाए, तो उससे ज़्यादा ये आपका क्या है, फंगस प्रेजेंट है ऑन द अर्थ सरफेस। बट बायोलॉजिस्ट आर स्टील नॉट श्योर अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज लाइक प्रोटिस्ट, आर्किया एंड बैक्टीरिया। लेकिन बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट है, दे कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज है उसके बारे में डिस्क्राइब इन्होंने नहीं किया। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, प्रोटिस्ट है, आर्किया है, बैक्टीरिया है, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया। ओके, क्यों नहीं किया गया, देर आर सम रीजन्स, व्हाट इज द रीजन व्हाई दैट कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट यू सी दिस द पाई चार्ट आर गिवेन हियर। यू सी इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा स्पीसीज, इसमें आपका 70% ही आपका इंसेक्ट दिखाया गया है, ठीक है। लेस अमाउंट जो ग्रीन वाले हैं आपके मोलस्का इतने हैं, ठीक। जो ब्लू दिख रहा है वो क्रस्टेशियन स्पीसीज है, और जो आपका ऑरेंज दिख रहा है दिस द अदर एनिमल ग्रुप्स। मीन्स इसमें पूरे एनिमल में जो 70% है वो क्या शो कर रहा है, इंसेक्ट। दैट इज क्लियर। दूसरा ये दिस द गिवेन द वर्टिब्रेटा स्पीसीज, वर्टिब्रेटा के शो कर रहा है, जिसमें 50% आपका फिश दिखा रहे हैं, ठीक है। मैमल्स जो ऑरेंज कलर का यहाँ दिख रहा है, देन बर्ड्स, यानी बर्ड्स भी मैमल्स से ज़्यादा हैं, रेप्टाइल्स भी मैमल्स से ज़्यादा हैं, और एम्फीबियन जो स्पीसीज है वो भी मैमल्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। दिस द गिवेन वर्टिब्रेटा एनिमल्स के पाई चार्ट है। नेक्स्ट आइए अभी जो फंगस की बात कर रहे हैं, जो फंगस है आपका यू सी ये 50% से भी नियर अबाउट है आपका, 50% के नियर अबाउट है। और जो 50% में अदर में है उसमें एंजियोस्पर्म है, फर्न है, मॉसेस हैं, एल्गी एंड लाइकेन। तो मैक्सिमम जो स्पीसीज इसमें डाइवर्सिटी प्लांट में दिखाया गया किसका है, फंगस का, देन एंजियोस्पर्म में। क्लियर। सो वी डिस्कस हियर व्हाई दैट इज कैन नॉट डिस्क्राइब द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, क्या रीजन है, दे आर गिवन सम रीजंस। फर्स्ट वन द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मेथड्स आर नॉट सफिशियंट फॉर द आइडेंटिफाइंग दिस माइक्रोबियल स्पीसीज। ओके, तो पहला जो है इसका क्या रीजन है, द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सफिशियंट फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीसीज। जो टेक्सोनॉमिक मेथड के जो क्राइटेरिया है
उस बेस पर वी कैन नॉट सफिशियंट फॉर द आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल स्पीसीज, जो माइक्रोबियल स्पीसीज है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेकेंड वन, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, जो माइक्रोबियल स्पीसीज है उसको मैक्सिमम केसेस में उसको हम लेबोरेटरी कंडीशन में उसको कल्चर नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर, मीन्स वी कैन नॉट कल्चर इन लैब, इस तरह के स्पीसीज को हम मैक्सिमम कल्चर नहीं कर सकते। थर्ड वन, इफ मॉलिकुलर एंड बायोकेमिकल क्राइटेरिया आर अडॉप्टेड फॉर द डेलिनियरिंग माइक्रोबियल स्पीसीज, दिस वुड पुट देयर डाइवर्सिटी इनटू द मिलियंस, और इसकी स्पीसीज के नंबर की बात करें तो मिलियन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो मॉलिकुलर एंड बाल जो केमिकल क्राइटेरिया है, वी आर अडॉप्टेड फॉर द डेलिनियरिंग माइक्रोबियल स्पीसीज, दिस वुड पुट देयर डाइवर्सिटी इनटू द मिलियन, इनके स्पीसीज मिलियन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, दिस इज द रीजन फॉर वी कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। ओके, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो 12 मेगा डाइवर्सिटी है उसमें से इंडिया एक वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है या उसका एक पार्ट है। तो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.4% लैंड प्रेजेंट है, बट इट्स शेयर एन इम्प्रेसिव 8.1% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी, लेकिन पूरे वर्ल्ड का वो 8.1% जो डाइवर्सिटी स्पीसीज के वो इंडिया में प्रेजेंट है। देर आर अबाउट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट इन विच, इंडिया की बात करें तो 45,000 स्पीसीज किसकी है, प्लांट की है, एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, इसके दूने नंबर में या उससे ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज विच आर रिकॉर्डेड इन द इंडिया। इफ वी अप्लाई रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट दैट ओनली 22% स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, केवल 22% स्पीसीज को रिकॉर्डेड किया गया है। इंडिया प्रोबेबली हैज मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, ठीक है। तो इंडिया में जो स्पीसीज रिचनेस है वो हाईएस्ट है, जो 12 मेगा डाइवर्सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है रिचनेस्ट है आपका स्पीसीज का वो इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, इफ यू लाइक देम देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स, थैंक्स।